एवरीवन, आज हम यू फॉरएवर के चौथे चैप्टर को समझेंगे जिसमें लोबसंग रामपा ने ऑरा के बारे में बताया है कि ऑरा हमारे आत्मा यानी ओवर सेल्फ का सूचक होती है। ऑरा से ही पता चलता है कि व्यक्ति आध्यात्मिक है या सांसारिक है। स्वास्थ्य भी इसी ऑरा से पता चलता है कि वो स्वस्थ है, रोगग्रस्त है या रोगी बनने जा रहा है। साथ ही उदासी, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, ये सब कुछ ऑरा के द्वारा पता चल सकता है। ऑरा व्यक्ति की सोच और उसके इरादों के बारे में भी बताती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑरा व्यक्ति का भांडा भी फोड़ सकती है। जब कोई व्यक्ति बहुत समय तक बीमार रहता है तो मृत्यु के पहले ही ऑरा फीकी पड़नी शुरू हो जाती है और कई बार मृत्यु के पहले ही एथरिक बॉडी को छोड़कर ऑरा लुप्त हो जाती है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है और मृत्यु होती है तब ऑरा धीरे धीरे थोड़े समय के बाद फीकी पड़नी शुरू होती है और अंत में लुप्त हो जाती है। दूसरी ओर हेल्दी पर एक्सीडेंटली मृत्यु हो जाने पर व्यक्ति के शरीर के साथ ऑरा कुछ समय तक रहती है। ऑरा एक वास्तविक जीवन के आधार का बल है। जब तक प्रशिक्षित न हो तो कोई भी व्यक्ति ऑरा को नहीं देख सकता, पर किलियनग्राफी नामक उपकरण के द्वारा आजकल ऑरा देखा जा सकता है। मृत्यु एक लंबी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में जो विद्युत है मृत्यु के तुरंत बाद वो पूरा विद्युत डिसअपीयर हो जाएगा। अर्थात पहले मृत्यु मस्तिष्क की होती है और फिर धीरे धीरे अंग मरते जाते हैं और सबसे आखिरी में नाखून और बाल की मृत्यु होती है। इसीलिए जब कभी हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से मस्तिष्क के पूरे खराब होने के पहले ही व्यक्ति को फिर से जीवित किया जा सके। मृत्यु के समय जब ऑरा धीरे धीरे डिसअपीयर होती है उस समय क्लेयरवॉइंट आसानी से उस ऑरा को देखकर पता लगा सकते हैं कि मृत्यु क्यों हुई। ऑरा एथरिक बॉडी से भी महीन रचना है। व्यक्ति के शरीर के ढांचे के अनुरूप ही एथरिक बॉडी पूरे आवरण पर लहराता है। उसके बाद ऑरा शरीर के चारों ओर अंडे के आकार का खोल का निर्माण करती है। ऑरा की ऊंचाई 7 फीट या उससे अधिक हो सकती है और उसकी चौड़ाई 4 फीट या उससे भी अधिक हो सकती है। चौड़ाई नीचे पैर की तरफ सकरी होते जाती है, बिल्कुल जैसे एक अंडा नीचे की तरफ सकरा होता है वैसे ही ऑरा भी नीचे की तरफ सकरी होते जाती है। ऑरा चमकदार रंगों के विकिरण से बनती है। ऑरा आंखों तक चौड़ी होती है, उसके बाद नीले और पीले रंग की चमकदार परत दिखती है जिसे हेलो या निम्बस भी कहते हैं। और ऑरा के ऊपरी भाग में एक प्रकार का प्रकाश का झरना दिखता है जिसे फ्लावरिंग लोटस भी कहते हैं या इसे जिसे हम सहस्त्रार कहते हैं, सहस्त्रदल कमल कहते हैं, वो होता है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके निम्बस में से हरित पीली किरण विकृत होने लग जाती है। इसीलिए यदि आप किसी क्लियर वॉइंट के पास हैं तो सावधान रहिए, आपके झूठ को वो तुरंत पकड़ लेगा। अधिक आध्यात्मिक लोगों की निम्बस सुनहरे पीले या भगवा पीले कलर की होती है। इसीलिए हमारे संत जनों के हेलो को हम हमेशा गोल्डन यानी कि पीले रंग के रूप में दिखाते हैं। हम ऑरा को प्रत्यक्ष नहीं देख पाते, पर कभी हम देख पाते थे। हमारे दुर्व्यवहार के कारण प्रकृति ने हमसे यह उपहार छीन लिया, पर अभी भी हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से ऑरा को भांपते हैं, यानी कि अभी भी हम अप्रत्यक्ष रूप से ऑरा को महसूस करते हैं। जैसे कि कुछ विशेष रंग होते हैं जिसे आप पहनना पसंद नहीं करते, क्योंकि आप अनकॉन्शियसली जानते हैं कि वो रंग आपकी ऑरा से टकरा रहे हैं। या यदि कोई फ्रेंड जिससे आप बहुत क्लोज हो कोई एक डिफरेंट कलर पहनकर आता है तो आप तुरंत कहते हैं कि ये तुम पर सूट नहीं कर रहा,
जिसमें तुम बहुत भड़कीले लग रहे हो या अच्छा नहीं लग रहा। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप अपने फ्रेंड को उससे कहीं ज्यादा जानते हैं और आप उसकी ऑरा से टकराते हुए रंगों को महसूस करके उसे बता रहे हैं कि वो कपड़े उस पर सूट नहीं करते। कई लोगों के पास आज भी क्षमता है कि वो इस ऑरा को देख सकें, पर जैसा कि समाज और लोगों के कहने पर उनको ये विश्वास हो जाता है कि ये व्यर्थ की चीज है, ये सब संभव नहीं है, तो अपने को ही वो ऑरा को देखने से वंचित करते जाते हैं। जैसा कि हमने देखा कि विशेष रंग अगर हमारे ऑरा से टकराते हैं तो वो न केवल हमें असहज महसूस कराते हैं बल्कि वो हमें अस्वस्थ भी बना देते हैं। अगर लगातार अपनी ऑरा के टकराव के रंगों का चुनाव करके आप कपड़ों को पहनेंगे तो निश्चित रूप से आप बीमार पड़ जाएंगे और तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते जब तक कि आप अपने ऑरा के अनुसार मेल खाते हुए हार्मोनियस रंग के कपड़े न पहने। आपको अपने कमरे के रंगों का चुनाव भी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जो आपको असहज महसूस कराते हैं अर्थात वो आपके ऑरा के रंगों से टकरा रहे हैं, तो ऐसे रंगों वाले कमरे में आप बिल्कुल भी मत रहिए। जैसे ध्वनि कंपन है वैसे ही रंग भी कंपन है, इसीलिए जैसे ध्वनि के सुरों का हार्मोनी होना जरूरी है वैसे ही हमारे ऑरा के रंगों के अनुसार ही हार्मोनियस कलर का भी होना जरूरी है। अगर हमारे ऑरा के रंग हार्मोनियस नहीं है तो हमारे भीतर आध्यात्मिक असामंजस्य हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज हमने देखा कि ऑरा जो हमारे जीवन के आधार का बल है, जो हमारे हर विचार, हमारी स्वास्थ्य, हमारे इरादों को प्रोजेक्ट करती है, उनमें कई प्रकार के रंग और शेड्स होते हैं। तो अगले 5th चैप्टर में हम जानेंगे कि ऑरा के कौन कौन से रंग हैं और ऐसे कौन से रंग हैं जिनको हमें अपनी ऑरा में बढ़ाना चाहिए। तो अगली बार हम ऑरा के रंगों के बारे में 5th चैप्टर में जानेंगे। थैंक यू।